सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 का पठन पाठन करेंगे जिसका नाम है ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, क्या आप सब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं? तो आइए, आज इस पाठ के द्वारा हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। परंतु क्या आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था? इसलिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति तथा किसानों की रक्षा के लिए हरित क्रांति जैसे राष्ट्रीय अभियान भी चलाए थे। वे बचपन से हर कार्य को सच्चाई तथा ईमानदारी से पूरा करते थे। आइए, आज हम इस पाठ को पढ़कर लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में जानते हैं। प्राची, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, फिर खेलने जाना, माँ ने आवाज लगाई। माँ, कल तो छुट्टी है, कल कर लूंगी, प्राची ने चहकते हुए कहा। छुट्टी क्यों है, माँ ने जिज्ञासा से पूछा। बच्चों, जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है किसी बात को जानने की इच्छा। और माँ को क्या जिज्ञासा थी कि कल उनकी बेटी प्राची को स्कूल में छुट्टी क्यों है। तो प्राची अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहती है। प्राची बोली, माँ कल 2 अक्टूबर है। हाँ माँ, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन। गांधी जयंती पर विद्यालय, विद्यालय शब्द का अर्थ होता है स्कूल, विद्यालय में छुट्टी होती है। माँ ने प्राची से पूछा, क्या तुम गांधी जी के बारे में जानती हो? प्राची कहती है, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन माँ ये शास्त्री जी कौन थे? क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगी, वे कैसे थे? प्राची ने उत्सुकता से पूछा। बच्चों, उत्सुकता शब्द का अर्थ भी होता है किसी बात को जानने की इच्छा। हाँ हाँ बताती हूँ, माँ बोली। बच्चों, इस चित्र में देखिए कि प्राची अपनी माँ से लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूछ रही है, और प्राची की माँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक कहानी सुनाते हुए प्राची से कहती है, यह बात उन दिनों की है जब नन्हे की अवस्था अभी 6 वर्ष की थी। बच्चों, अवस्था शब्द का अर्थ होता है उम्र। एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर वह एक बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने पहुंचा। सभी साथियों ने फूल तोड़ तोड़कर अपनी झोलियों में भर लिए, किंतु सबसे छोटा और कमजोर होने के कारण नन्हे अभी एक फूल भी नहीं तोड़ पाया था। बहुत प्रयत्न के बाद, बच्चों प्रयत्न शब्द का अर्थ होता है कोशिश करना, बहुत प्रयत्न के बाद एक फूल पर हाथ पहुंचा ही था कि बाग का माली आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी बालक 9, 2, 11 हो गए। बच्चों, 9, 2, 11 एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डरकर भाग जाना। और आपको बताया गया था कि मुहावरों का प्रयोग किसी बात को विशेष तरीके से प्रकट करने के लिए किया जाता है। पर नन्हे भाग ना सका और माली की पकड़ में आ गया। शिकार को हाथ आया देखकर माली ने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। देखिए बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है,
कि एक नन्हे नाम का जो लड़का है वह जब एक बाग में फूल तोड़ने लगा तो बाकी उसके सारे दोस्त जो है वहां से भाग जाते हैं और नन्हे नाम का लड़का जो है वो माली की पकड़ में आ जाता है और माली उस लड़के को पूरी ताकत से पीटना शुरू कर देता है। प्राची आगे की कहानी जानने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए कहती है, माँ फिर क्या हुआ? माँ ने प्राची की बात का जवाब देते हुए कहा, फिर नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं है इसलिए मुझे इस तरह मार रहे हो ना। माली इस बात को सुनकर पछताया। बच्चों, पछताया शब्द का अर्थ होता है जब किसी को अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर शांत होकर उत्तर दिया, पिता न होने पर तो तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी है बेटा। बच्चों, जब नन्हे माली से कहता है कि मेरे पिताजी नहीं है इसलिए तुम मुझे मार रहे हो, तो क्या होता है, माली को अपनी गलती का एहसास होता है और वह नन्हे को समझाते हुए कहते हैं कि पिता ना होने पर तो तुम्हारी और भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो यह बात सुनकर नन्हे बिलख बिलख कर रो पड़ा। बिलख बिलख कर रोने का अर्थ होता है फूट फूट कर रोना, अर्थात जोर जोर से रोना। माँ ने फिर कहा, उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। आजीवन शब्द का अर्थ होता है सारा जीवन, अर्थात जब माली ने नन्हे से कहा कि पिता ना होने पर तो बेटा तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी बनती है, तो उस दिन से नन्हे ने यह निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया? कि मैं सारा जीवन ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे। माँ, क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? यहाँ पर प्राची अपनी माँ से पूछती है कि क्या जो नन्हे नाम के लड़के की आपने मेरे को कहानी सुनाई, क्या उन्हीं का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी था? तो माँ प्राची की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ बेटी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे, बच्चों कस्बे शब्द का अर्थ होता है एक छोटा सा शहर, मुगल सराय में हुआ था। माँ ने बताया, माँ ने क्या बताया प्राची को, कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और कहां पर था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था। अब छोटी प्राची की समझ में आ गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जो भी काम उन्हें सौंपा जाता था, सौंपा का अर्थ होता है उनको कोई भी काम जो दिया जाता था वे उसे सच्चाई, ईमानदारी और लगन, लगन शब्द का अर्थ होता है मेहनत, मेहनत के साथ पूरा करते थे। अपनी विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र, बच्चों स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है आजाद, आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान की आवाज लगाती हुई प्राची भी फिर अपना काम करने में जुट गई। बच्चों, तो यह थी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से संबंधित एक सच्ची घटना।
तो उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें भी लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह अपना हर कार्य सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करना चाहिए। बच्चों, आपने इस पाठ से संबंधित चित्र बनाते हुए नए शब्दों को अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।